Hello and welcome. Today's topic is our development of the ear. Ear has three parts: external ear, middle ear, and inner ear. In embryo, inner ear develops first at around 4th week of intrauterine life, and then middle ear, and then external ear. It's a kind of chronological order. And external ear, middle ear, inner ear, all of these things anatomy I have told you in my earlier videos. रखने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कान कैसे बनता है. तो कान का तीन हिस्सा होता है: बाहर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और अंदर का हिस्सा. तो बच्चे का जब चौथा हफ्ता चल रहा है माँ के पेट के अंदर, तब अंदर वाला कान सबसे पहले बनता है, फिर बीच वाला हिस्सा और लास्ट में बाहर वाला हिस्सा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड बोनी लेबिरिंथ. सो लेट मी टॉक अबाउट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. सरफेस एक्टोडर्म फॉर्म्स द ओटिक प्लैकोड इन द रोम्बेंसेफेलॉन पोस्टरोलैटरल टू द लेंस प्लैकोड. एंड देन दिस ओटिक प्लैकोड इनवेजिनेट्स अंडरलाइंग मेसेनकाइम and forms otic pit and then otic vesicle. Now in my last video I told you what is lens placod and what about rhombencephalon, how it forms. You already know that because I told you about this in my earlier videos. तो ये जो पर्दा वाला labyrinth है, membranous labyrinth, क्या होता है? Surface ectoderm otic placod बनाता है. कहाँ पर? Rhombencephalon में. Rhombencephalon क्या है ये आपको पता है क्योंकि मैंने पुराने वाले video में बात कर चुका हूँ. फिर Rhombencephalon के किधर में बनाते हैं? वो होता है पीछे में किनारे की तरफ, पोस्टरोलैटरल टू द लेंस प्लैकोड, जहां पर लेंस प्लैकोड बनता है, जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था. लेंस वाले प्लैकोड के ठीक पीछे और किनारे की तरफ बनता है ये ओटिक प्लैकोड, दोनों साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड. फिर ये ओटिक प्लैकोड जो नीचे में मेसेनकाइम लेयर रहते हैं, इसके और अंदर घुस जाते हैं और ओटिक पीट बनाते हैं. ठीक है, ओटिक खाई जैसा या गड्ढा जैसा, और फिर ये ओटिक वेसिकल में बदल जाते हैं. दिस ओटिक वेसिकल सेपरेट्स फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म एंड फॉर्म द डॉर्सल वेस्टिबुलर पार्ट एंड वेंट्रल कोक्लियर पार्ट. मतलब ये जो ओटिक वेसिकल बन गया वो सरफेस एक्टोडर्म से बिछड़ जाता है और ये दो हिस्से में बच जाता है, एक पीछे वाला वेस्टिबुलर पार्ट और एक सामने वाला कोक्लियर पार्ट. दिस डॉर्सल वेस्टिबुलर पार्ट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू थ्री पार्ट. वन पार्ट फॉर्म्स द यूट्रिकल, अनदर पार्ट फॉर्म्स द थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट्स, another part forms the endolymphatic sac and endolymphatic ducts. Okay, and the ventral cochlear part forms the cochlear duct, which gives the spiral elongation, which is 2 3/4 turns. Okay, and also it forms the saccule. Now this utricle and saccule both has macula for sense of equilibrium. Same to same, this three semicircular ducts also has crista for sense of equilibrium. This semicircular duct has dilated end, which forms the crista ampullaris, and the non-dilated part consists of crista commune. मतलब क्या होता है? ये जो utricle और saccule है, इनके अंदर macula होता है, जो balance को समझने में मदद करता है. और ये जो semicircular duct है, ये भी पूरे शरीर का balance को समझने में मदद करता है. कैसे करता है? ये जो semicircular duct से, इसका जो फुला हुआ रहता है, ठीक है, dilated end, फुला हुआ हिस्सा, इसके अंदर crista ampullaris होता है. और जहां पर कोई फुला हुआ नहीं, एकदम समान है, नॉन डायलेटेड पार्ट, उसमें क्या होता है? क्रिस्टा कोम्यूनी होता है, बस खत्म. नाउ ऑल दिस सेमीसर्कुलर डक्ट्स देन सेक्यूल यूट्रिकल कंसिस्ट ऑफ एंडोलिम्फ. इनके अंदर एक तरह का पानी होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ. नाउ द कोक्लिया हैज ऑर्गन ऑफ कोटी फॉर ट्रांसफरिंग द साउंड वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड द न्यूरल क्रेस्ट सेल फॉर्म्स द बाइपोलर न्यूरॉन ऑफ वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर कोक्लियर गैंग्लियन. क्या होता है? ये जो कोक्लिया है, कोक्लिया के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी, जो क्या करते हैं, ये जो शब्दों का तरंग होता है, साउंड वेव्स, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है. ठीक है. बोनी लेबिरिंथ एडजेसेंट मेसेनकाइमल टिश्यू ऑफ द ओटिक वेसिकल कंडेंसेस एंड फॉर्म ओटिक कैप्सूल व्हिच अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू कार्टिलेज. नाउ द गैप एरिया इन बिटवीन द ओटिक कैप्सूल एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद पेरियोटिक टिश्यूज, बट within few days this periotic tissues disappears and filled with or filled by perilymph. Now this periotic tissue surrounding the otic vesicle and saccule gradually disappears and forms a cavity. From this cavity vestibule, semicircular canals, scala tympani, scala vestibuli appears. मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो हड्डी वाला लेबरिंथ है, बोनी लेबरिंथ, क्या होता है? ओटिक वेसल के आसपास कुछ मेसेनकाइमल टिश्यू रहता है जो धीरे 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 घना हो जाता है. तो घना होने के बाद एक कवर जैसा बन जाता है जिसको हम कहते हैं ओटिक कैप्सूल. तो ये ओटिक कैप्सूल धीरे धीरे एक कार्टिलेज में बदल जाता है. और क्या होता है? ये जो ओटिक कैप्सूल है और पर्दा वाला लेबिरिंथ, मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह तैयार होता है. ठीक है, गैप होता है, जो धीरे धीरे पेरियोटिक टिश्यूज, मतलब ओटिक के चारों ओर जो कोशिका था उससे भर जाता है. मगर कुछ ही दिनों में ये पेरियोटिक टिश्यूज धीरे धीरे गायब हो जाता है.
और वहां पर एक पानी जैसा लिक्विड घुस जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ। हमारे अंदर वाला जो कान है इसके अंदर दो तरह के पानी होता है, एक एंडोलिम्फ दूसरा पेरिलिम्फ। स्कल टिम्पनी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम कॉक्लियर डक्ट बाय बेसिलर मेम्ब्रेन, स्कल वेस्टिबुली सेपरेटेड फ्रॉम द कॉक्लियर डक्ट बाय रेजनर्स मेम्ब्रेन, स्कल टिम्पनी एंड वेस्टिबुली मर्जेस टुगेदर एट हेलिकोट्रमा एरिया और हेलिकोट्रमा एपर्चर, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन जॉइंट्स टुगेदर एट मोड्यूलस एरिया। क्या होता है, ये जो स्कल टिम्पनी और कॉक्लियर डक्ट इन दोनों के बीच में एक पर्दा तैयार होता है जिसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। खत्म। स्कल वेस्टिबुली और कॉक्लियर डक्ट इन दोनों के बीच में भी एक पर्दा तैयार होता है जिसको हम कहते हैं रेजनर्स मेम्ब्रेन। नाउ स्कल टिम्पनी और स्कल वेस्टिबुली दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं कहां पर, हेलिकोट्रमा एरिया में। ठीक है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन ये दोनों भी एक साथ जुड़ जाते हैं कहां पर, मोड्यूलस एरिया में। एंड नाउ मिडिल ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ वीक ऑफ इंटरटेन लाइफ इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। ओके, नाउ इट्स अ काइंड ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन फ्रॉम द ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस। द फर्स्ट फ्रिंजियल पाउच एंड द सेकंड फ्रिंजियल पाउच कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म्स दिस ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस, बोथ साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच वाला कान का हिस्सा है कैसे बनता है, कब बनता है, ये जो पांचवा हफ्ता चल रहा है मां के पेट के अंदर बच्चे का, तब से ये बनना शुरू होता है। तो ये एंडोडर्म से ओरिजिन होता है, कैसे, ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस से। अब ये रिसेस कैसे बनता है, पहला फ्रिंजियल पाउच और दूसरा फ्रिंजियल पाउच दोनों एक साथ मिलके। वैसे फ्रिंजियल पाउच, फ्रिंजियल आर्च और फ्रिंजियल क्लेफ्ट इन तीनों के बारे में एनाटॉमी मैंने डिटेल्स में पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं, चाहो तो आप देख सकते हो। नाउ एट 6 मंथ ऑफ इंटरटेन लाइफ ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एक्टोडर्मल क्लेफ्ट एंड एडजेसेंट मेसोडर्म टू फॉर्म टिम्पनिक मेम्ब्रेन। मेरे कहने का मतलब है कि जब बच्चे का 6 महीना चल रहा है मां के पेट के अंदर, तब ये ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस एक्टोडर्मल क्लेफ्ट और नजदीकी मेसोडर्म के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। आने के बाद ये टिम्पनिक मेम्ब्रेन मतलब कान का पर्दा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो टिम्पनिक मेम्ब्रेन है ये प्राइमरी तीन जर्म लेयर से बनता है। जर्म लेयर क्या क्या है भाई, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म तो है ही। ठीक है, नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस आउटवर्ड फॉर्म्स ऑडिटोरी ट्यूब ईच साइड। मतलब ये जो ट्यूबो टिम्पनिक रिसेस है वो कान का पर्दा बनने के बाद ये बाहर की तरफ निकल जाता है, नाली जैसा, जिसको हम कहते हैं कान का नाली या फिर ऑडिटोरी ट्यूब। मीन वाइल एट द एंड ऑफ द 7th वीक ऑफ इंटरटेन लाइफ एडजेसेंट मेसेनकाइम फॉर्म्स मेलियस सिंकस फ्रॉम द मैकल्स कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च अलोंग विद द टेंसर टिम्पनी मसल एंड द सेकंड फ्रिंजियल आर्च हैज रेचर्स कार्टिलेज व्हिच अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू स्टेपिस बोन एंड स्टेपिटियस मसल। रखने का मतलब यह है कि ये जो 6 महीने में मैंने बोला था ट्यूबो टिम्पनी से कान का पर्दा बनाते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, तब तक क्या होता है, पांचवा हफ्ते में मिडिल ईयर बनने के बाद 7वां हफ्ता में, जब मतलब जब बच्चे का 7वां हफ्ता चल रहा है मां के पेट के अंदर, तो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च में एक मैकल्स कार्टिलेज होता है जहां से हमारा मिलियस इंकस ये दो हड्डी बन रहा है, साथ में टेंसर टिम्पनी एक मसल बनता है। और ये जो सेकंड फ्रिंजियल आर्च है इसके अंदर रेचर्स कार्टिलेज होता है जो स्टेपिस हड्डी में बदल जाता है और साथ में स्टेपिडियस मसल भी बनाते हैं। ऑपोजिट ऑफ स्टेपिस वी गेट द ओवल विंडो एंड बिलो वी गेट द राउंड विंडो। ओवल विंडो क्लोज बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस एंड द राउंड विंडो इज क्लोज बाय द सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। हाउ एक्सटर्नल ईयर फॉर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 7th वीक इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। डॉर्सल पार्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रिंजियल क्लेफ्ट इन बिजनेस टू फॉर्म द प्राइमरी मीटर्स व्हिच अल्टीमेटली एक्सटेंड्स डीप टुवर्ड्स द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पहला फ्रिंजियल क्लेफ्ट है इसका पीछे वाला हिस्सा, इसी से बनता है हमारा प्राइमरी मीटर्स, जो कान का पर्दा है टिम्पनिक मेम्ब्रेन इसके तरफ बहुत ही गहराई तक विस्तार होता है, मतलब एक्सटेंड करता है। प्राइमरी टिम्पनिक कैविटी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड कॉर्ड ऑफ मिडिल प्लेट एंड गिव्स होलोड पोर्शन आउटवर्ड्स टू फॉर्म द सेकेंडरी मीटर्स। नाउ दिस सॉलिड कॉर्ड ऑफ मिडिल प्लेट कन्वर्ट्स इनटू आउटर लेयर ऑफ द टिम्पनिक मेम्ब्रेन। ग्रेजुअली 6 स्मॉल ट्यूबरकल्स अपीयर ऑन अराउंड फर्स्ट फ्रिंजियल क्लेफ्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फर्स्ट ट्यूबरकल फॉर्म्स द ट्रेगस, सेकंड वन फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ हेलिक्स, थर्ड वन फॉर्म्स द हेलिक्स, फोर्थ वन फॉर्म्स द एंटी हेलिक्स, फिफ्थ वन फॉर्म्स द एंटी ट्रेगस एंड द सिक्स्थ वन फॉर्म्स द ईयर लोब्यूल्स। ऑल दिस थिंग्स टुगेदर फॉर्म्स अवर ओरिकल ऑफ ईयर। ओके, एन एंटायर ईयर डेवलपमेंट कंप्लीट्स विद इन द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ द इंटरटेन लाइफ। द एंटायर ईयर डेवलपमेंट कंप्लीट्स विद इन द एंड ऑफ द 6th मंथ ऑफ इंटरटेन लाइफ। कुल मिलाकर क्या होता है, ये जो कान का अंदर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, ये तीनों मिलके पूरा कान तैयार होने में 6 महीना लग जाता है, मतलब 6 महीने के खत्म होने तक पूरा कान बन जाता है। ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है। समझ में आया? आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।